खुद को अराजक कहते हैं केजरीवाल, लेकिन उन्होंने कल मुंबईकरों को दिनभर परेशान किया। शहर में सियासी अराजकता का नया शो दिखाया। उनके एक दिन के दौरे के दौरान कई कानून भी टूटे। मुंबई में केजरीवाल ने अराजकता का मेगा शो किया। उनके मुंबई पहुंचने से ही इसकी शुरुआत हो गई। केजरीवाल एयरपोर्ट से ऑटो रिक्शा में अंधेरी पहुंचे। इस दौरान ऑटो रिक्शा पर आम आदमी के समर्थक लटके नजर आ रहे थे। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेड सिग्नल पर रुकने की बजाय इसे पार किया। इसके बाद केजरीवाल अंधेरी से चर्चगेट स्टेशन जाने के लिए मुंबई लोकल में सवार हुए। समर्थकों ने सुरक्षा जांच के लिए स्टेशन पर लगे एक मेटल डिटेक्टर को तोड़ दिया। फिर केजरीवाल जिस डिब्बे में बैठे उस पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया, डिब्बे का गेट बंद कर लिया। सब मेटल डिटेक्टर टूट गया, लोग यहाँ पे अफरा तफरी मच के माहौल था। थोड़े लोग यहाँ भाग रहे, थोड़े वहाँ भाग रहे थे। राइड्स हो रहा है, कम्युनल राइड्स हो रहा है, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खाली दिखावे के लिए और कुछ नहीं। दोपहर में केजरीवाल रोड शो के दौरान बीच रोड पर ही लोगों से मिलने जुलने लगे। उन्हें ये ख्याल नहीं था कि मुंबई की व्यस्त सड़कों पर उनकी वजह से लंबा जाम लग चुका है। राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है और उन्हें उनके किए की कीमत चुकानी होगी। इसी मोर्चा में, आंदोलन में, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है वो महाराष्ट्र में वसूल करने का कानून हमने बनाया है, सबको लागू है, कानून सबके लिए एक है। केजरीवाल दक्षिण मुंबई से मीरा सान्याल और उत्तर पूर्व मुंबई से आपकी लोकसभा उम्मीदवार मेधा पाटेकर के लिए चुनाव प्रचार करने मुंबई पहुंचे थे। केजरीवाल दिन भर सुर्खियों में जरूर रहे, लेकिन मीडिया में फिक्सिंग विवाद और मुंबई में मचे हंगामे के बाद उन्हें सिर्फ निगेटिव पब्लिसिटी ही मिली। कैमरामैन बाला शेट्टी के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई।